मंदसौर नयाबदी थाना क्षेत्र से गैंगरेप का मामला सामने आया है। एक महिला ने एसपी से गुहार लगाई है कि उसे न्याय मिले। महिला ने एसपी को बताए हुए विषय और नयाबदी थाने में अपनी शिकायत में बताया कि कुछ दिन पूर्व 5 लोगों ने जैसे में लेकर उक्त महिला से गैंगरेप किया था, जिसके बाद महिला को डराया धमकाया गया और पति और बच्चे को मारने की धमकी दी गई, जिसको लेकर मामला लंबे समय तक दबा हुआ रहा। कुछ दिन पूर्व भी आरोपी महिला के घर पहुंचा, जहां पर उसने महिला के प्राइवेट पार्ट को गर्म चम्मच से जला दिया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों के खिलाफ बलात्कार की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। महिला का मेडिकल चेकअप भी करवाया गया है, जिसे महिला के प्राइवेट पार्ट पर जलने के निशान पाए गए हैं। उक्त तो मामले के 5 आरोपी फिलहाल फरार हैं। राजनीतिक हलचल ब्यूरो रिपोर्ट। एक महिला ने रिपोर्ट की थी कि गांव के 5 व्यक्तियों ने, जो अलग अलग गांव के हैं, उनके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया है। उक्त मामले को जांच विवेचना, उसमें अपराध कायम करके और विवेचना में लिया गया है। कितने आरोपी थे इसमें? 5 आरोपी बताए हैं महिला ने, जो आवेदन दिया है उसमें। पांचों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। महिला को जलाने का, प्राइवेट पार्ट्स को जलाने का कुछ मामला सामने आया? हाँ, उसके प्राइवेट पार्ट्स में चोट लगी है। उस संबंध में अभी मामला विवेचना में है, तो जैसे तथ्य आएंगे तो फिर अवगत कराया जाएगा आपको। आवेदन में बताया गया कि उसके प्राइवेट पार्ट को जलाया गया? जी, मेडिकल करवाया है। क्या उस मेडिकल में क्या आया है? नहीं, उस मेडिकल में आए हैं निशान, है पुरानी घाव के निशान है जलाने। जी, अभी आरोपियों का क्या स्टेटस? आरोपियों की तलाश जारी है, शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड थी? नहीं, अभी ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है। कांताखेड़ी निवासी पीड़िता ने एक अपना थाने पर आवेदन दिया था, जिसमें से अपराध पंजीबद्ध कर लिया और उसमें उन्होंने उन्हीं के गांव के निवासी बहुत